गदर 2 की सक्सेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनी पाजी के तेवर ने, उनकी दहाड़ ने, उनकी ऑनेस्टी ने बात साबित कर दी है, जो भी उनके स्टारडम के आगे आएगा वो खानदान के साथ बह जाएगा। मजे की बात ये, जब मूवी की सक्सेस पार्टी चल रही थी तब अनिल शर्मा और सनी देओल अपने दिल का पूरा गुबार निकाल रहे थे और बातों बातों में बोल रहे थे कि पूरे बॉलीवुड ने कोशिश की थी वो फिल्मों से आउट हो जाएं, संन्यास ले लें, रिटायरमेंट ले लें। यानी एक्टिंग कैलिबर होने के बावजूद उनको फोर्स किया गया फिल्मों से बाहर होने के लिए। इसके कई तरीके अपनाए गए, जैसे सनी देओल की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर न मिलना, प्रॉपर फाइनेंस ना करवा पाना और रिलीज के टाइम पर बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंस कर देना। यही वजह रही कि सनी पाजी को लगातार नुकसान उठाना पड़ा और अपने घर की फिल्मों तक सीमित रह गए, जबकि बाकी एक्टर्स की फिल्मों को बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले और खान टिकड़ियां फाइनेंस करती हैं। लेकिन कहते हैं सबका दिन आता है और आज सनी पाजी का दिन आया। गदर 2 की कामयाबी ने बड़े बड़े फिल्मों के कलेक्शन को, रिकॉर्ड्स को धराशाही कर दिया है। यहाँ तक कि पठान जो हवा में उड़ रहा था उसके भी पर नोच डाले हैं और कहा जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं, पठान के रिकॉर्ड को बहुत जल्दी गदर 2 तोड़ देगी और सनी पाजी का फिर से 90s वाले दौर में बेस्ट एक्शन हीरो बनकर उभर कर आएंगे। बहरहाल बात करते हैं उस टॉपिक की जहाँ पर इनको फोर्स किया जा रहा था। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सनी पाजी के ब्याह पर अनिल शर्मा ने बोला कि हमको इशारे इशारे में कहा गया कि भैया आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपके बस में अच्छी फिल्में बनाना नहीं है। और अनिल शर्मा को ये बात चुभ गई। अनिल शर्मा ने कहा कि 22 साल मैंने वेट किया, अगर मैं जब चाहता तब गदर का पार्ट 2 बना सकता था, लेकिन हमें पता गदर की फ्रेंचाइजी वैल्यू क्या है, जब तक सनी देओल एग्री नहीं करेंगे तब तक हम गदर 2 नहीं बनाएंगे। और जब जब सनी के पास कोई स्टोरी लेके जाते थे सनी बोलते थे भैया गदर का नाम खराब मत करो बिकॉज मेरे लाइफ की कल्ट क्लासिक मूवी है, जब तक कोई सही कहानी मूव नहीं करेगी तब तक गदर 2 नहीं बनेगी। और जब सही कहानी मूव कर गई तब बहुत सारे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आप फिल्मों के चक्कर मत पड़िए। यानी सनी को, अनिल शर्मा को कहा गया आप घर बैठ जाइए और फोर्सफुली रिटायरमेंट ले लीजिए बिकॉज ये सब्जेक्टिव फिल्में अब नई जनरेशन के हाथ में आ चुकी हैं। जबकि हॉलीवुड में स्टीवन स्पीलबर्ग हो या फिर मार्टिन सोर्सेज हो, सारे के सारे 70-80 प्लस होने के बावजूद बेहतरीन सिनेमा बना रहे हैं, हाई क्लास स्टार के साथ काम कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस को हॉलीवुड में बॉलीवुड में ट्रिब्यूट दिया जाता है। लेकिन अनिल शर्मा जो इतने सालों से फिल्में बना रहे हैं, सनी पाजी जो 80-90 से एक्टिव हैं, उनको रिटायरमेंट के लिए फोर्स करना बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई को जाहिर करता है और उस पूरे गैंग का पर्दाफाश करता है जो सनी पाजी को चाहते थे मार्केट से आउट हो जाए। लेकिन पब्लिक का साथ जब तक आपके साथ है तब तक आप सलमान खान सनी देओल बने रह सकते हैं। और जो वजह सलमान खान के स्टारडम के पीछे यानी मास अपील फैंडम वाली, वही अपील वही मास फैंस सनी देओल के भी रीएक्टिवेट हो चुके हैं और अब किसी में दम हो तो सनी देओल को रिटायरमेंट करा के देखे बिकॉज तारा सिंह गदर 3 लेकर भी आएगा, अपने 2 लेकर भी आएगा, पोस्टर वाइज 2 लेकर भी आएगा, चीयर्स लेकर भी आएगा और घायल घातक दामनी के भी नए पार्ट ला सकता है। सो वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ एक्शन स्टार सनी पाजी।